तो दोस्तों आज फाइनली हुंडई ने अपनी 2020 जो नई जनरेशन ट्यूसॉन थी उसको लॉन्च कर दिया है पूरी तरीके से इंडिया में। और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं उसी के बारे में, आपको बताने वाला हूं सारी डिटेल्स, प्राइस से लेके इंजन से लेके स्पेसिफिकेशन से लेके फीचर्स तक सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटोविज पे, मेरा नाम है हर्षित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि फाइनली हुंडई ने अपनी ट्यूसॉन फेसलिफ्ट 2020 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और कुल मिला के इसके ऑलमोस्ट 5 वेरिएंट्स में इसको लॉन्च किया गया है, जो कि 2 ट्रिम्स में डिवाइडेड है, एक है GL ऑप्शनल और दूसरा है GLS। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो ट्यूसॉन फेसलिफ्ट है ये एक प्रीमियम जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो यहाँ पे सीधे तौर पर टक्कर देने वाली है जीप की कंपस को, एमजी की हेक्टर को और होंडा की सीआरवी को। अब देखिए हुंडई ने जो अपनी ये नई ट्यूसॉन फेसलिफ्ट लॉन्च की है इसमें आपको काफी बढ़िया सा एक स्पेशल कस्टमर केयर सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि पहली बार इस सेगमेंट में इंक्लूड किया है हुंडई ने। तो ये जो ट्यूसॉन है इसमें आपको इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगी 3 साल की वारंटी और इसके अंडर में आता है 30,000 किलोमीटर तक का फ्री मेंटेनेंस, ब्लू लिंक मैप सब्सक्रिप्शन और रोड साइड असिस्टेंस। अब देखिए इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा, 5 साल तक की वारंटी इसमें इंक्लूडेड है, 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मेंटेनेंस, इसके अलावा 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक की मेंटेनेंस और जो आखिरी ऑप्शन मिल जाएगा वो 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक की मेंटेनेंस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 2020 Hyundai Tucson फेसलिफ्ट के प्राइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आप जान लीजिए GL ऑप्शनल पेट्रोल का प्राइस है 22.30 लाख रुपीज, GLS पेट्रोल का प्राइस है 23.52 लाख रुपीज, GL ऑप्शनल डीजल का प्राइस है 24.35 लाख रुपीज और अगर GLS डीजल की बात करें तो उसका प्राइस है 25.56 लाख रुपीज और जो सबसे टॉप स्पेक वेरियंट आता है GLS फोर व्हील ड्राइव सिस्टम वाला उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 27.03 लाख रुपीज का प्राइस और ये जो है ये डीजल में आता है। तो यहाँ पे साफ तौर पर दोस्तों एकदम क्लियर है, यहाँ पे अगर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो जीप की कंपस जो है वो सबसे इसका मेन कंपटीटर लग रहा है मुझे फिलहाल। इसके अलावा Hyundai Tucson जो फेसलिफ्ट आई है इसमें आपको BS6 कंप्लाइंट 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, एक जो दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा वो 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन होगा, ये दोनों ही जो इंजन है वो BS6 कंप्लाइंट है। अब अगर इसके पावर आउटपुट की बात करी जाए तो जो नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन है ये ऑलमोस्ट 150 BHP की पावर और 192 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाएगा, इसके अलावा जो डीजल इंजन है टर्बो डीजल इंजन वो ऑलमोस्ट 182 BHP की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अलावा साथ में अगर इसके ट्रांसमिशन के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आपको सारे ही वेरिएंट्स में जो है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रांसमिशन के बारे में बता देता हूँ, इसके जो दोनों ही ऑप्शंस हैं आपको डीजल और पेट्रोल दोनों में ही ऑटोमेटिक ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो डीजल है इसमें आपको नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, जबकि जो पेट्रोल है उसमें आपको अभी जो है 6-स्पीड ऑटोमेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा और इसके अलावा जो इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि GLS वेरिएंट में आता है जो कि डीजल वेरिएंट है केवल। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस और इंजन के बारे में सारी बातें कर ली, अब अगर इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें काफी माइनर से चेंजेस किए गए हैं, ज्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे नहीं तो इवन आपको हो सकता है पता भी ना चले कि इसमें आपको कुछ चेंजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको चेंज देखने को मिलेगा, इसमें एक नया जो है कैस्केडिंग ग्रिल देखने को मिलेगा, इसके अलावा नई तरीके के हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, नई तरीके के फ्रंट और रियर बम्पर मिलने वाले हैं, इसके अलावा जो नई तरीके के डिजाइन अलॉय व्हील्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल ही चेंज नहीं की गई है। तो ये सारे कुल मिला के ऐसे छोटे से चेंजेस हैं जो कि आपको नई फेसलिफ्ट ट्यूसॉन में देखने को मिल जाएंगे इसके एक्सटीरियर डिपार्टमेंट में। बाकी अगर बात करें इसके कैबिन वगैरह की तो वहां पे आपको काफी बढ़िया से जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए अगर इसके कैबिन के अंदर के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले देखिए Hyundai की जो ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर है वो देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसमें आपको एक फ्री स्टैंडिंग जो है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, नई तरीके का डैशबोर्ड है, इसमें आपको नए AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जर होने वाला है, 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पैसेंजर सीट्स हैं, पैनोरमिक सनरूफ है। तो ये सारी कुछ ऐसी बढ़िया से फीचर्स हैं जो कि आपको इसके अंदर नए देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस की Hyundai की Tucson जो कि फेसलिफ्ट मॉडल आया है उसके बारे में सारी डिटेल्स, उसके प्राइस के बारे में मेनली डिस्कस किया, उसके फीचर्स के बारे में आपको बताया, इंजन ट्रांसमिशन फीचर्स स्पेसिफिकेशंस ओवरऑल सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली एट लास्ट आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फाइनली एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।